हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बैंकर्स के लिए है जो वर्क कर रहे हैं अभी करेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने ही वाला है, और इसमें आप सभी को एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि हमें एरियर कितना मिलेगा। जो ऑलरेडी काफी समय से बैंक में है तो वो इस चीज को लेकर उतना टेंस में नहीं होंगे, लेकिन खासकर स्पेशली जो न्यू ज्वाइनिंग है, जो पहली बार ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट में फेस कर रहे हैं या फिर सेकंड टाइम जिनका हो, वो काफी सोच रहे होंगे कि मुझे कितना एरियर मिलेगा। जो न्यू ज्वाइनिंग स्पेशली होंगे वो काफी एक्साइटेड होंगे कि मुझे एक साथ बंच में कितना पैसा आ सकता है, कितना रुपया मिल सकता है एज ए सैलरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्पेशली ऑफिसर्स को लेकर एरियर कैलकुलेशन सीट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कैसे कितना आपको सैलरी मिल सकता है एज ए एरियर। क्लरिकल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया है, उसका आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल सीट मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये मुझे गूगल से एक फ्रेंड ने शेयर किया था, वो मैंने डाउनलोड करके इस पर वीडियो छोटा सा प्रिपेयर किया जिससे आप सभी को हेल्प हो सके। और इस एक्सेल सीट को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, लिंक भी मेंशन कर दूंगा, जहां से आप भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना एरियर्स आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑफिसर्स की जो एक्सेल सीट है उसमें क्या क्या आपका वेरिएबल्स हैं जिससे आपकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे बेसिक बेसिक जो है, आप यहाँ पर स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से लेकर आपका यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। फिर आपका स्पेशल अलाउंसेस है, यहाँ पर लर्निंग अलाउंसेस डीए है, एचआरए है, सीसीए है। सीसीए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो सबसे लोएस्ट है उसी को फेच करता है, फिर ग्रॉस यहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं। फिर जैसे ही हम यहाँ पर डेटा फिलअप करेंगे, ऑटोमेटिकली जो न्यू सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा और ये सारे फील्ड फिलअप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एरियर्स कितने आएंगे, जो आपका एनपीएस डिडक्ट होने वाला है कितना होगा, टीडीएस आपको अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करना होगा, या फिर आप कि जो बैंक होंगे, एचआर होंगे, वो जब कैलकुलेशन सीट प्रोवाइड करेंगे तो टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके बताएंगे कि कितना हुआ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि एक न्यूली ज्वाइन ऑफिसर्स जो होते हैं स्किल वन, उनका क्या हो सकता है। एक चीज आप, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज एक बैंकर्स न्यूली ज्वाइन पीओ है जो लास्ट ईयर जून में ज्वाइन किया है बैंक, तो इस ईयर उसकी जो बेसिक होगी जून में इम्प्लीमेंट हो गई होगी एक पर, अगर उसने जीआईबी सीआईबी क्लियर नहीं किया होगा तो मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ कि लास्ट ईयर उसकी बेसिक थी 36,000 और इस ईयर उसकी जून में बेसिक चेंज हो गई होगी 1 स्केल से 37,490। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्पेशल अलाउंसेस इतना है, लर्निंग अलाउंसेस इतना है, डीए का परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, 38.92 से और करेंटली 48.51। तो डीए यहाँ पर टोटल डीए जो है आपका बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस को मर्ज करके यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, लर्निंग अलाउंसेस को मर्ज करके यहाँ पर टोटल बताया गया है। फिर सीसीए सीटी कंपनसेशन अलाउंसेस यहाँ पर दिया, यहाँ पर एचआरए इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है आपके लिए सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग मैक्सिमम लोग लीज पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो जो बैंक होती है लीज रेंट प्रोवाइड करती है उन इम्प्लॉय को, तो जो नहीं रहते हैं वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जिस स्लैब में है, जिस सिटी में है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कितना लीज अप्रोक्सीमेटली है। तो देखिए, जो ओल्ड सैलरी के अकॉर्डिंग ये नवंबर 2022 से जनवरी 2024 तक का है ओल्ड सैलरी स्कीम, उस अकॉर्डिंग आपका जो इन 15 मंथ में जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 9,41,785 रुपीज, उस अकॉर्डिंगली आपका जो न्यू सैलरी स्ट्रक्चर है इस अकॉर्डिंग इसमें आपका जो आएगा 10,69,926 रुपीज। और ये जो डिफरेंस है 1,28,141 रुपीज का डिफरेंस है। तो आप इस इतना एरियर तो आपका एक्चुअल प्रिपेयर हो रहा है एकदम, जो बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है लास्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो डिफरेंस होगा आपका, आपको सबको पता है कि एम्प्लॉय के अकाउंट से जो ग्रॉस सैलरी आता है उसमें से 10% एनपीएस हमारे डिडक्ट हो जाता है, तो ये जो डिफरेंस है उसका 10% यहाँ पर आपका एनपीएस में डिडक्शन हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका जो एरियर्स इससे ज्यादा ही आएगा तो जितना भी एरियर्स आपका एक्चुअल होगा उसका 10% आपका एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स है या फिर अदर डिडक्शन कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है ये आप किस ब्रैकेट में आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपका टैक्स डिडक्ट होगा। मैं एक आइडियल फिगर लेकर चल रहा हूँ, जैसे टैक्स 0 है तो उसको एक्चुअल जो एरियर मिलेगा 1,15,000 मिलेगा, अगर कोई न्यूली ज्वाइनिंग ऑफिसर है तो।
ओके फ्रेंड, अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि कोई स्केल 1 ऑफिसर है और उसने ज्वाइन लास्ट ईयर प्रमोशन लिया और तो स्केल 2 बन गया। तो स्केल 2 की जो बेसिक स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, स्केल 2 का 48,170 रुपी। ओके, और ये जो ऑफिसर है इसका आपका अप्रैल में इसका इंक्रीमेंट लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल से अप्रैल ये एक साइकिल चलता है, तो अप्रैल में एक इंक्रीमेंट इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो 49,000 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा है, तो आपको जाकर वन बाय वन आपको यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो इंप्लीमेंट हो गया, कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्केल 2 है उसने जीआईबी और सीआईबी क्लियर नहीं किया है। अगर आपने जीआईबी सीआईबी जिस मंथ में क्लियर किया है, वहां पर जाके अपना जो ब्रैकेट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज किसी ने नवंबर दिसंबर में जीआईबी क्लियर किया है, तो यहाँ पर नवंबर में जीआईबी हुआ है, तो नवंबर में उसका बेसिक क्लियर रहेगा, फिर दिसंबर में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो उसका 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर अप्रैल में 1 इंक्रीमेंट और इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मई में उसने सीआईबी भी क्लियर कर लिया, तो मई से उसका सीआईबी का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मॉडिफाई करके अपने एक्चुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्केल 2 के लिए देख लीजिए, जो आइडियल फिगर है, वन जो ग्रॉस होगी टोटल, ये है आपका 12,54,562 रुपी। ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है 15 मंथ का। ओके, जो न्यू है आपका 14,26,507 रुपी। ओके, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीसीए वेरी कर सकता है, आपका एचआरए वेरी कर सकता है, सीटी प्लेस टू प्लेस, हाँ, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर जो इनका एरियर आएगा 1,71,945 रुपी, यहाँ पर जो एनपीएस डिडक्ट होगा अप्रोक्स 17,000, या फिर जो भी आपका एक्चुअल एरियर आएगा उसका 10%, टीडीएस आप जिस ब्रैकेट में होंगे उस अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर हो। ओके, ये एक मिनिमम है कि इतना आपको मिलना ही है। इसके अलावा आपको और भी चीजें का एरियर्स मिलेगा, जैसे आपका 5 डेज, 10 डेज या 15 डेज का जो पीएलआई मिला है बैंक के प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, उसका भी एरियर मिलेगा। आपने जो पीएल इंकैशमेंट कराया है एनुअली 5 डेज का, तो उसका भी आपको एरियर मिलेगा। अगर आपने एलएफसी इंकैश कराया है उसका भी आपको एरियर मिलेगा। ओके, तो ये सारे चीज आपको एरियर्स मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक तो उम्मीद है कि मार्च एंड तक आपका न्यू बेसिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। आई होप 5 डे वर्किंग भी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो ही जाए तो बेटर रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। अगर आप किसी क्लरिकल फ्रेंड को रेफर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है लिंक, आप वहां जाकर उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।